ये दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फूड डिटेक्टिव पे और मैं हूँ आपका दोस्त गौरव। सो एक बार फिर से हम आ गए स्ट्रीट पे और आपको पता है कि अब जो है हमारे वीडियो रेगुलर आ रहा है और आप सबका प्यार भी मिल रहा है, देख के अच्छा लग रहा है। तो आज हम उसी प्यार को आगे बढ़ाने के लिए एक और वीडियो लेके आ गए जो कि कुरला से है। और कुरला में कहाँ पे, तो आज हम कोई स्टार्टर नहीं ट्राई करने वाले, आज सीधा हम दावत पे जाने वाले। तो कहाँ चल रहे, चलिए दावत की तरफ बढ़ते और आपको दिखाते कि क्या खाने में। ओके सो डिश दिखाने से पहले यावर जी से बात कर लेते हैं। हाय सर जी, कैसे आप? बड़े ठीक है। सो सर जी, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप यहाँ पे मुझे खाने के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? तो हमारी हर डिश में एक अलग स्पेशलिटी है। एक सेकेंड, हाँ मुझे लगता है क्योंकि हमारे पास एक ही है, समझ सकते गरीबी। हमारी हर डिश में एक स्पेशलिटी है। ओके आप अगर हमारा मेन्यू देखेंगे तो वी डोंट हैव लॉन्ग डिशेज ऑफ 100 and 200, बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड है। और हर डिश में एक अलग स्पेशलिटी है। कस्टमर्स हमसे पूछते हैं आपका स्पेशल क्या है, हम खुद नहीं बता पाते उनको कि हमारा स्पेशल क्या है, बिकॉज हर डिश की एक अलग खासियत है, चाहे वो चिकन कौरमा हो या मटन कौरमा हो या मटन लली निहारी हो। स्टिल जो कॉन्सेप्ट हमारा है ये हांडियों का, बिल्कुल मैं इस पे आने वाला था कि ये बहुत नया है, ये मेरे लिए काफी नया, जल्दी देखने नहीं मिलता, तो ये इसके पीछे का क्या लॉजिक है, मतलब ये ऐसा क्यों? ये जस्ट प्रेजेंटेशन है या फिर इसके पीछे भी कुछ है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि देखिए ये सारी एल्युमिनियम की हांडियां हैं जी, बिल्कुल, और हमारे खाने इसी में बनते हैं और ये बहुत थिक हैवी मेटल की हैं, राइट। और इसके अंदर जब हम खाने बनाते हैं, कोई हम चिकन बनाए मटन बनाए, तो उसमें स्वाद आता है, भुनाई करते हैं। ओके हमारा कोई भी खाना तवे पे नहीं बनता। अच्छा। कि आपने इधर मसाले डाले, चिकन डाला, तवे पे आपने देखी, जो नॉर्मली बॉम्बे का एक ट्रेंड है। यस, ये हमारे खाने 3 से 4 घंटे हमारी एक डिश रहती है, हमारी निहारी में कम से कम 4.5 घंटे से 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि हल्की आंच पे भुनती रहती है, तब जाके वो मीट जो है इतना टेंडर और मेल्ट हो जाता है कि आप अगर उसको खाएंगे तो एकदम मेल्ट हो जाएगा। दूसरी हमारी सबसे बड़ी खासियत है हमारा मटन कोरमा, जिसको हम बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं तार कोरमा, हमने यहाँ पे उसका नाम रखा है मटन शाही कोरमा। ओके जो हमारी बहुत स्पेशल है और एक अलग ही टेस्ट है। थैंक यू सो मच सर आपका कीमती समय देने के लिए। सो अब यहाँ पे बात यह है कि भाई बहुत सारे वैरायटीज पता चल गए और जिस तरीके से सर ने बताया मेरे मुंह में पानियों के बौछार आने शुरू हो चुके हैं, तो चलिए सीधा खाने पे अटैक करते हैं और मिलते हैं आपको सीधा टेबल पे। ओके सो आ चुके फाइनली और टेबल पे अपने आप देख सकते फूड ही फूड है। सो मुद्दा ये है कि खाने से पहले अगर आपको खाने का प्रेजेंटेशन देखने में मजा आना तो समझ जाओ खाने का मजा ही कुछ और। एक फूड लवर को हमेशा अपना टेबल ना कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए और इनका प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया। सो अपने पास खाने में क्या क्या मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। सो ये है यज्ञी बिरयानी जिसे मैं डेफिनेटली ट्राई करना चाहूँगा। इसके साथ इनका एक चीज़ खास है वो ये है कि ये इसके साथ आपको चटनी भी देते हैं, तो ये कुछ नया था, अब ये मैं खाने के बाद ही बताऊँगा। ये है दम बिरयानी, फिर है ये निहारी अपनी शाही निहारी, और ये है काली मिर्च, चिकन काली मिर्च। तो अपने पास सब चीज़ें हैं और ये है लच्छा पराठा जिसके साथ मैं इसको गटकाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और हम शुरू करेंगे चिकन काली मिर्च से। तो इसको थोड़ा सा सर्व कर लेते हैं यहाँ पे। और ये रही अपनी नान, नान नहीं एक्चुअली मैंने लच्छा पराठा बोला है। तो फर्स्ट बाइट लेते हैं।
ये काफी क्रीमी दिख रहा है दिखने में, और एक अच्छा बाइट लेंगे। वाव टेस्ट करते ना, वाव। अगर आप इसे पास में देखेंगे ना तो इसके ऊपर है ना ऑयल नहीं है, ये एक बेहतरीन फ्लेवर है। अभी किस चीज़ का फ्लेवर है ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है जो आपको येलोइश दिख रहा है, प्लस क्रीमी है। और चिकन इतना वेल कुक है ना, मतलब मैंने डाला और वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और अब हाथ नहीं रुकने वाले मेरे, तो एक बाइट और लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बाइट ले लेते हैं। तो बढ़ते दूसरे डिश की तरफ जो कि है निहारी। सो आइए नली पे अटैक करते सीधा। ओहो, ये देखिए, वाओ, अमेजिंग, मतलब और इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। तो मेरा इरादा था एक्चुअली कि मैं चिकन में खाऊं, बट सर ने सजेस्ट किया नहीं आप मटन में ट्राई कीजिए, बोला है 4 घंटे तक कुक किया जाता है इसे। अब इसे जब ब्रेक करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली में वैसा है नहीं जैसा उन्होंने बताया। तो ये देखिए, ये पकड़ा और ये देखिए कितना ईजी तरीके से, वाह, मतलब कितना अच्छे तरीके से कुक किया ये देखिए। ओहो, तो इसको बाइट लेंगे और अब लेंगे हथियार। बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, इतना इजी तरीके का ये। तो अभी हम ट्राई करेंगे यखनी बिरयानी, ठीक है। इसके साथ मुझे मेन क्या है ना कि मुझे ये ट्राई करना है कि क्या है, सो चलिए यखनी बिरयानी ट्राई करते हैं। दिखने में तो बहुत टेस्टी दिख रहा है। चलिए, हमेशा क्या होता है कि हम मसाला बिरयानी ट्राई करते हैं, तो इस बार कुछ नया होगा। नया तो है, क्या हो रहा है ना कि जब आप बाइट लेते ना तो इसमें मसाला नहीं है, आप देख सकते हो इसमें कहीं पर भी मसाला नहीं, बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। पर जब आप खाओगे ना तो आपको सारे मसाले के फ्लेवर आ रहे हैं जो भी इसमें, अभी किस तरीके से इन्होंने बनाया वो नहीं पता, बट सारे मसाले के फ्लेवर आपको बरोबर खाते वक्त समझ में आएंगे, और थोड़ा स्पाइसी भी है। तो चलिए वाली चटनी ट्राई करते, रेड वाली, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ले लिया है क्या, कोई नहीं ट्राई करके देखते हैं। आप दूर रहिए भाई साहब, ऑलरेडी ये तीखी है थोड़ी। टेस्टी बहुत है, पर मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया था, ये तीखा है। एक्चुअली मुझे लगता है टमाटर की और मिर्ची की चटनी है, राइट, और ये काफ़ी स्पाइसी है, तो अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसके साथ इसका लुत्फ उठाइए, अलग ही स्वाद पाएंगे आप। और इसी के साथ हम है ना अभी आपको दिखाते हैं खाके, ये देखिए जब आप इसका बाइट लोगे ना तो इसमें ना आपको अंदर की तरफ मसाले दिखाई देंगे, जो कि इसमें अच्छे खासे मसाले की क्वांटिटी है, देखिए यहाँ पे नीचे, जो कि उसमें नहीं थी। तो और ये थोड़ा सा ना स्वीट फ्लेवर इसका टच आ रहा है,
थोड़ा सा स्वीट है बट खाने में बहुत अच्छा है। मेरे लिए जो फर्स्ट बिरयानी थी ना, वो बिरयानी कुछ अलग थी, डिफरेंट थी, स्वादी थी पर टेस्टी थी। सो दोस्तों ये था ओवरऑल अपना दावत जो आज हमने किया। तो आपसे मिलते हैं, खाते मिलते थे खाते। जा कर रुक जाओ रुक जाओ, खाना खाता हूँ। तो भैया अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक कर देना है। नए तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो ये वीडियो हम अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं, खाना बहुत हो गया है, तो अब घर की तरफ निकलते हैं। आपको क्या करना है पता है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए, जिससे शेयर करना है शेयर कर दीजिए। और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो भैया फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी अपडेट आते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।